Hello everyone, I am Bharati Budhiraja. Today we will be taking up Beehive Chapter 9, The Bond of Love, Question Answers. We have already read the chapter, and if you remember what was there in the chapter, we had a sloth bear, Bruno, who was the pet of the mistress. The author had gifted her when he had brought from a place where he had found him accidentally. The mother bear had been shot, so he had brought him home as a pet. And in the process of growing up, the pet had become very, very attached to the wife of the author, the mistress of the home, and kaise unke dono ke beech mein pyar hota hai. When he grows up, he's been sent to a zoo in Mysore, lekin wo dono alag hoke nahi reh paate aur wapas lana padta hai usko Bruno ko wahan se, aur fir jab usko wapas laate hain uske liye ब्यूटिफुल सा आइलैंड बनाते हैं अपने गार्डन में, जहाँ पे ब्रूनो को ओपन छोड़ दिया जाता है. एंड द वाइफ गोज एंड विजिट्स हर, एंड हाउ दे आर अटैच टू ईच अदर इज शोन इन द चैप्टर. दैट इज़ बाय द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज बॉन्ड ऑफ लव. सो जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बॉन्ड ऑफ लव के. फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लॉथ बेयर who was rescued by the author Kenneth Anderson and gifted to his wife as a pet. तो किस चीज़ की स्टोरी थी ये? स्टोरी ऑफ अ ऑर्फंड. ऑर्फंड मैंने बताया था होता है जिसके पेरेंट्स मर जाते हैं, और हमने इंसिडेंट स्टोरी में ही पढ़ा था कि कैसे उसकी मदर शॉट हो गई थी बाय अ कंपेनियन ऑफ द ऑथर. तो ऑर्फंड स्लॉथ बेयर के बारे में है, who was rescued by the author and gifted to his wife as a pet. The bear's intelligence, playful nature, memory and sense of affection won everyone's heart. तो bear की क्या quality सबको अच्छी लगी? उसका intelligence, he was very intelligent animal. Playful मतलब friendly nature था उसका. Memory and sense of affection, memory means उसको चीज़ें याद रहती थी, वो भूलता नहीं था कुछ भी. और sense of affection, जिस तरीके से वो प्यार दिखाता था उसको सब प्यार करते थे उस reason से. स्पेशली द ऑथर्स वाइफ जो थी उससे वो बहुत अटैच था. द कंटेंट्स ऑफ द स्टोरी फोकस ऑन अ रिलेशनशिप ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था क्या थीम है चैप्टर की, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच का रिलेशनशिप. लव ट्रांसेंड्स इवन द बैरियर ऑफ स्पीशीज. ये चीज़ हमने बहुत बार पढ़ी हुई है कि लव ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स, रिलीजन, कंट्रीज, लेकिन लव ऑल्सो ट्रांसेंड्स द बैरियर ऑफ स्पीशीज. ये नहीं है कि देर इज गोइंग टू बी लव बिटवीन टू ह्यूमंस ओनली या टू एनिमल्स ओनली. देर कैन बी अ लव बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बोथ. थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट इवन वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्लॉथ बेयर्स हैव इमोशंस, अफेक्शन एंड डीप बॉन्ड्स. तो स्लॉथ बेयर जो था उसके अंदर भी इमोशंस थी, उसके अंदर भी लव था. लव इज़ रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मैंने आपसे क्या मीनिंग होता है रेसिप्रोकल का, कि जैसे हम करते हैं वैसा ही प्यार हमको वापस मिलता है. तो जितना प्यार उसकी वाइफ जो मिस्ट्रेस ऑफ द होम थी वो बेयर से करती थी अपने बेटे की तरह, वैसे ही प्यार वो बेयर उसको एज अ मदर करता था. Even animals respond sincerely to the affection and care shown by to them by human beings. तो human beings जैसा प्यार दिखाते हैं वैसा ही प्यार वो लोग भी दिखाते हैं. Message of the need of showing kindness. तो क्या message है, message क्या दे रहे हैं इस story में? Need of showing kindness to the animals, for they too are creatures created by the same God who created human beings. तो गॉड ने भी उन्हों एनिमल्स को गॉड ने ही क्रिएट किया है, तो इसलिए हमें उनकी तरफ भी प्यार दिखाना चाहिए. इमोशनल बॉन्ड दैट एनिमल्स फॉर्म इज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे डू नॉट ईजिली फॉरगेट दोज हु केयर फॉर एंड लव देम. तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप एक एनिमल के साथ अच्छा करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो भी याद रखेगा, और नेक्स्ट टाइम भी अगर आप किसी प्रॉब्लम में या ट्रबल में होंगे ही विल हिमसेल्फ हेल्प यू. They are more loyal and devoted in reciprocating the love human beings give them. Reciprocating, reciprocal, ये words याद रख सकते हैं, ईजी हैं, ये आप use कर सकते हो अपने answers में. Reciprocating क्या होता है? Giving back the love. Okay? अब जल्दी से textual questions देख लेते हैं हम, उसके बाद we'll do some extra questions. Okay. I got him for her by accident. Who says this? कौन बोलता है ये लाइन?
द ऑथर हु डू हिम एंड हर रेफर टू. हिम का रेफरेंस किसके लिए है? ब्रूनो द स्लॉथ फेयर बेयर. और हर किसके लिए यूज किया गया है? वाइफ के लिए. What is the incident referred to? कौन सा incident, कौन सा accident? That once they had gone to a sugarcane field, they were passing through a sugarcane field, जहाँ पे बहुत सारे wild pigs थे, and his friends were shooting the wild pigs to get to make a way. And in between they found a sloth, big sloth bear, जो उसकी mother थी sloth bear की, Bruno की. And by mistake, one of the companion who got scared of the bear, उसने उसको gun से shoot कर दिया. He stood on his head in delight. Who does he refer to? Bruno or Baba? Why is he delighted? Delighted to see the mistress. जब मिस्ट्रेस उससे जू में जाने जाके मिलती हैं, तब का इंसिडेंट है ये. ही इज डिलाइटेड टू सी. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. व्हाट डज वी ऑल स्टैंड फॉर? द फैमिली एंड नेबर्स को भी बोल सकते हैं. हु डू दे मिस? दे मिस ब्रूनो द पेट. Why did they nevertheless feel relieved? Because he was dangerous. He was dangerous. वो dangerous था. He could have harmed any of the children or the neighbors. इसलिए they were relieved that he has been sent to the zoo. On two occasions, Bruno ate, drank something that should not be eaten or drunk. What happened to him on these occasions? अब इसका आंसर जल्दी से हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं. क्या आंसर है? टू ओकेजन्स क्या था? वन वॉज व्हेन ही एट रैट पॉइजन, दैट इज सोडियम, नो बेरियम कार्बोनेट, सॉरी बेरियम कार्बोनेट. All right, and उसका इफेक्ट क्या हुआ था? इट वॉज पॉइजनस. ही वॉज अफेक्टेड बाई पैरालिसिस. वॉमिटिंग्स हुई, हैवी ब्रीदिंग, एंड देन ही हैड टू बी taken to the vet. वहां पे क्या हुआ? He was given an antidote twice, or he was within half an hour, within 30 minutes he was okay. ठीक है, within 30 minutes he was okay. सेकेंड इंसिडेंट क्या हुआ था? ही ड्रैंक अ गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच ही हैड केप्ट फॉर टर्माइट्स. नो ill effect. इससे no ill effect हुआ था. वहां पे ही was almost about to die. उस पूरी condition को आप describe करोगे. Next, was Bruno a loving and playful pet? Why then did he have to be sent away? तो इसका answer क्या होगा? Yes, Bruno was a loving and a playful pet. इसके लिए आप points लिख सकते हो. कैसे वो friendly था, not only with the family but also with the members of the other neighboring children. Alsatian dogs के साथ बहुत friendly था, बहुत playful था. But then why he had to be sent away? Because he was a fully grown bear with to full height and weight. He was heavy, he was very very dangerous. He could be dangerous for the children of the neighbors.
How was the problem of what to do with Bruno finally solved? How was it solved? He was sent to the zoo of Mysore. The curator was sent a letter saying that would he like to have a bear, special bear, and therefore he was sent there for, he was sent to, he was transported to the zoo of Mysore. Okay, now we will take up some extra questions which I have prepared for you. You are going to, first we will be doing the RTC based and then we will move on to short answer and long answer. It scooted into the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scurf of its neck, hold it while it snapped, it should be while, it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. Who does it refer to? Bruno, or you can say baby bear. Why does it scoot in the sugarcane field? He was afraid as its mother had been shot and he was being chased to be captured. So he was afraid. What did it do when the author grabbed it? Jab author ne usko grab kar liya to usne kya kiya? He, look here, I can show you the answer in the lines. It snapped and tried to scratch me with long hooked claws. Snapped, the author, and tried to scratch him with his long hooked claws. Okay? Find a word which means bite. Bite is snapped. Alright? Why did the baby bear try to scratch? It wanted to escape his hold and run away. ठीक है, उसको लग रहा था ये मुझे पकड़ के ले जाएगा, तो इसलिए he wanted to run away. Next, Bruno entered the library as he often did and ate some of the poison. Paralysis set in the extent that he could not stand on his feet. But he dragged himself to the stumps to my wife who called me. What did Bruno do in the library? Ate the poison set for the rats and mice. ठीक है, नेक्स्ट. What happened to Bruno and what did he do? Paralysis set in. He was not able to move and he dragged himself to the mistress. Which word in the extract is associated with legs? Legs is stumps. Next, why did paralysis set in? Because barium, he had consumed barium carbonate, which was a poison. ठीक है, next. Above all, he loved my wife and my wife loved him too. She changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying a small boy.
What kind of bond did Bruno and Rita's wife share? Bond of love and affection. What name did he give? Baba, which means small boy. और क्यों दिया उन्होंने? टू शो दैट शी कंसिडर्ड हिम एज हर सन. ओके, नेक्स्ट. फाइंड द वर्ड सिंबलाइजिंग. सिंबलाइजिंग के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है? सिग्निफाइंग. What can be understood from the extract about animals? That animals also reciprocate love. That animals also reciprocate love. A tearful pleading. Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? What he was a kind-hearted man and consented. What did the author's wife plead for? To return Bruno to her. Who was the kind-hearted man? The superintendent. Superintendent of the zoo. Find the word which means gave permission. Gave permission is consented. Consented. Explain tearful mean pleading. Tearful pleading hota hai begging or requesting with a heavy heart. Yeah. क्राइम. ठीक है, ये होती है टीयरफुल प्लीडिंग. नेक्स्ट, व्हाट वर द एक्टिविटीज दैट ब्रूनो डिड इन द स्टोरी? ही वुड प्ले रेसल, बॉक्स, शूट अ गन, cradle a baby, ठीक है. तो ये थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज थी जो हमको अलग अलग जगहों पे बता रखी है कि वो खेलता था. ही वुड प्ले विद डॉग्स, प्ले विद डॉग्स एंड चिल्ड्रन, देन रेसलिंग करता था. यू रिमेंबर, ही वुड से ब्रूनो रेसल, ब्रूनो बॉक्स. Then shoot a gun, he would be given a stick and उसको बोलते थे shoot a gun, तो वो stick को gun की तरह use करता था. Cradle a baby, उसको एक lump of या log of wood दे रखा था, उसको वो baby की तरह cradle करता था. Describe the food habit of Bruno as told in the story. So Bruno can be called as a foodie. Foodie कौन होता है? जो बहुत कुछ, जो सब कुछ खा लेता है. He could eat and drink everything. ठीक है. For example, आप chapter में से for example लोगे cakes, chocolates, vegetables, veg, non-veg, everything. Drinks में सब कुछ, aerated drinks, alcohol, beer, buttermilk, milk, shakes, everything which everybody drinks. Tea, coffee, everything he would drink and he would be relishing it. What special arrangements were made for Bruno at the narrator's house when he was brought back from the zoo? An island was constructed in the compound with 7 feet deep pit around it
अ बॉक्स वॉज केप्ट एज हिज शेल्टर एंड ऑल हिज थिंग्स वर प्लेस्ड देयर। ठीक है, एक आइलैंड बनाया गया था जिसके अराउंड उन्होंने एक बाउंड्री बना दी, बाउंड्री को 7 feet डीप और 6 feet वाइड उसमें एक पिट बनाई गई जिसकी वजह से वो इधर ना आ सके। एंड हिज बॉक्स वॉज गिवन एज अ शेल्टर, स्ट्रॉ वॉज केप्ट फॉर हिज कम्फर्ट, और जो सारी उसकी चीज़ें थी जिनसे वो खेलता था एज अ टॉय, ऑल दोज वर केप्ट। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी बॉन्ड ऑफ लव? What do we understand from the story Bond of Love? क्या सीखते हैं हम उससे? That love between human beings, humans and animals is a beautiful relationship. ठीक है, animals also reciprocate the love we give them. They never forget any, they never forget any action of kindness done to them. ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। इमेजिन यू आर नरेटर्स वाइफ। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि 8 marker जो questions होते हैं वो या तो theme based होते हैं या फिर वो ऐसे वाले questions होते हैं। Imagine you are narrator's wife. Write a page of your diary after Bruno is sent to the zoo. अब इसमें हम बिगनिंग कैसे करेंगे, और डायरी एंट्री है इसलिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी फीलिंग्स। और मैंने हमेशा बताया है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, आई वॉन्ट मैक्स मोर देन 7 to 8 फीलिंग वर्ड्स आने चाहिए हमारे उसमें कि आपको कैसा फील हुआ। तो अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो बाय सेइंग टुडे वॉज द मोस्ट सैड day of my life. ठीक है, then separation, how you have been separated, separation from Bruno, love for Bruno के बारे में बोलोगे, how you felt when you got him, ठीक है, फिर हाउ यू मिस हिम, फ्रेटिंग, फाइन, देन योर रिएक्शन ऑन ब्रूनोज कंडीशन। तुमको कैसे पता चला है थ्रू दैट लेटर, थ्रू द फ्रेंड्स हु हैव बीन टू ज़ू इन द मैसूर, तुमको कैसे पता चला है ब्रूनो की कंडीशन के बारे में, एंड हाउ यू फील अबाउट इट, तुम्हें कैसा लगता है कि वो कितना डिप्रेस्ड है, वो कितना सैड है, और तुम भी कैसे डिप्रेस्ड हो बिकॉज ऑफ दैट। देन योर डिसीजन टू गो एंड मीट हिम, you can also talk about, okay, you can also talk about your plan to bring him back, fine. So let's quickly see the pointers and frame the answer. Today was the most sad day of my life. Why? Because Bruno has been taken away from me
एंड ई एंड आई हैव बीन सेपरेटेड, सेपरेशन फ्रॉम ब्रूनो, कितना प्यार था आप दोनों में, वी यूज टू लव ईच अदर लाइक अ मदर एंड सन, बट नाउ आई हैव बीन सेपरेटेड, आई डोंट नो हाउ विल आई लिव. लव फॉर ब्रूनो, आई लव्ड हिम लाइक माई सन, आई स्टिल रिमेंबर द गेम्स विच आई यूज टू प्ले विद हिम, हाउ आई लव टू फीड हिम, गिव हिम फूड, हाउ यू फेल्ड वेन यू गॉट हिम, आई स्टिल रिमेंबर द डे वेन माई हजबेंड ब्रॉट हिम एज अ स्मॉल बेबी, आई फेल्ड दैट एज इफ आई हैव गॉट अ न्यू बेबी विद हिम, हाउ यू मिस हिम, यू मिस हिज activities, you miss giving him food and you keep fretting, you are always worried, you always dreaming about him, you always get a nightmare that I will never be able to meet him. Your reaction on Bruno's condition, Bruno ki condition ke baare mein jab aapko pata chalta hai through that letter, how you have written a letter to the curator and the friends have reported to you that even Bruno is in a very very bad condition aur wo bahut udaas rehta hai, to tab aapko kaise feel raha hai? You are very sad, you are depressed totally, you are totally missing him. Then your decision to go and meet him, now it's been 3 months, I cannot wait, I don't have any more patience and I want to go and meet him. Your plan to bring him back, kahin na kahin aap ye bologe ki there is somewhere in my heart, my deep desire is to bring him back home, I will fight with my husband, I will fight with those people and I will surely bring him back. So this was imagine question. You can take up a theme based question also. I have taken up long questions with you, I have taken up short questions with you and I have taken RTC based questions. So this is through with the chapter Bond of Love. See you next time. Thank you.